यस। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य है हम लोगों का गुरु परंपरा धारा में। इस्कॉन जिस धारा में है, श्रीला प्रभुपाद जिस धारा में है, वो गुरु परंपरा का धारा ब्रह्मा जी से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। तो इस गुरु परंपरा धारा को बोला जाता है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। और गुरु के बिना हम लोग भगवान को नहीं पा सकते। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। और श्रीला प्रभुपाद अपना किताबों में ये बार बार लिख रहा है। कोई भी किताब आप देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। गुरु ही है वो व्यक्ति जो भगवान का धाम पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग को लेके जा सकता है। हम लोग डायरेक्टली भगवान को, कृष्ण को हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते। हम लोग को गुरु परंपरा का मीडियम, गुरु का माध्यम से हम लोग को भगवान को जानना है, भगवान के पास पहुंचना है। और गुरु का कृपा से ही हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच सकते। तो हम लोग का गुरु परंपरा धारा में चैतन्य महाप्रभु इसी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में है, इसलिए इसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। मतलब गौरांग महाप्रभु इसी संप्रदाय में दीक्षा लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र इंडिया में, भारत में फैलाया। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया श्री चैतन्य महाप्रभु। और जहां पे भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे, सब लोग उनको देख के ही भक्त बन जाता था। उनको देख के ही कृष्ण प्रेम उनका हृदय में आ जाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना इन्फ्लुएंस था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में जा रहा था, तब सब जीव, सब जो ये है जो जो एनिमल्स था, जीव जंतु, टाइगर्स, डियर्स, सब क्या कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु के साथ डांसिंग कर रहा था हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून में। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड फॉरेस्ट में से गुजर रहा है, तो वहां पे संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया था। और एनिमल्स, टाइगर और डियर, बाघ और हिरण एक दूसरे को गले लगा रहा था। सोचिए कितना मतलब अमेजिंग सीन होगा। तो आध्यात्मिक जगत में भी एनिमल्स है, बाघ है, टाइगर है, डियर है, काऊ है, सब है। आध्यात्मिक जगत में अगर कुछ चीज नहीं होगा, तो इस मेटेरियल वर्ल्ड में वो चीज हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मेटेरियल वर्ल्ड में कुछ है, इसका मतलब है आध्यात्मिक जगत में वो मस्ट बी प्रेजेंट। सो ऑल एनिमल्स आर देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो, आध्यात्मिक जगत में भी है। गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत का सबसे हाईएस्ट प्लेनेट है, जो भगवान का धाम है, वो भगवान कृष्ण उनका गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ लीला कर रहा है हमेशा, तो वहां पर भी एनिमल्स है। तो गोलोक वृंदावन और गोलोक नवोद्वीप, ये दो प्लेनेट, दीज आर द टू चेम्बर्स ऑफ द गोलोक प्लेनेट। ये गोलोक प्लेनेट सबसे हाईएस्ट प्लेनेट है, और उस प्लेनेट में दो चेम्बर है। एक चेम्बर है गोलोक वृंदावन, एक चेम्बर है गोलोक नवोद्वीप। टू चेम्बर्स आर देयर। गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण का लीला चल रहा है, और गोलोक नवोद्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का लीला चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो गोलोक नवोद्वीप में जो लीला चल रहा है, वही लीला जब चैतन्य महाप्रभु जब इस मेटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं, पृथ्वी में आते हैं, तो वही लीला को इधर भी वही लीला संपादन करते हैं। तो कृष्ण आता है द्वापर युग में, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है कृष्ण। वो ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 टाइम्स द फोर युगास आर रोटेटिंग। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चार युग 1000 बार रोटेट करेगा जब, तब होगा एक साल।
सॉरी एक दिन ब्रह्मा का, उसको कल्प बोला जाता है, कल्प। तो ब्रह्मा ऐसे एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आता है, और भगवान कृष्ण जब आता है, जैसे ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है, सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु भी एक बार आता है। चैतन्य महाप्रभु बार बार नहीं आते हैं। नेक्स्ट कलियुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आएगा, नेक्स्ट द्वापर युग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आएगा। तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का शुरुआत करते कलयुग में, और हम लोगों को गोलोक वृंदावन, गोलोक प्लैनेट में एंट्री करने का मौका देता है। दूसरा युग में गोलोक प्लैनेट में एंटर करने का मौका नहीं मिलता है, बैकुंठ में एंटर करने का मौका मिलता है। ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही कलयुग में है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। दूसरा कलयुग में, दूसरा द्वापर युग में, दूसरा सत्ययुग में, हाँ, और त्रेता युग में गोलोक प्लैनेट में एंटर करने का मौका नहीं मिलता है। भगवान ये अपॉर्चुनिटी जब खुद आता है कृष्ण, तभी देता है, बिकॉज कृष्ण इज स्वयं भगवान, और विष्णु है, राम है, नरसिंह देव है, वामन देव है। कल को वामन देव का जन्मदिन था, कल को, यस्टरडे। तो ये सब अवतार है भगवान का, कृष्ण का अवतार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है, वो कृष्ण स्वयं है। श्री कृष्ण एंड चैतन्य महाप्रभु, देयर इज नो डिफरेंस। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट इवन एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, इज कृष्ण हिमसेल्फ। बोथ चैतन्य महाप्रभु, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है। तो विष्णु, नारायण और बहुत सारे अवतार जो है, अनंत अवतार है भगवान का, ये सब अवतार है, लेकिन अवतारी है कृष्ण, अवतारी है चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु आता है तो उनके बाद उनके पार्षद लोग इस धरती पे आता है धर्म का संस्थापन करने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु खुद लीला करता है तभी उनके साथ उनके जो एसोसिएट्स हैं वो आता है, और जब चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं फिर भी उनका लीला चलता रहता है। ये है स्पेशलिटी चैतन्य महाप्रभु का। कृष्ण का लीला खत्म हो जाता है जब कृष्ण चला जाता है, कृष्ण का लीला दी एंड हो जाता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लीला 10,000 साल चलता है। चैतन्य महाप्रभु जब चला जाता है लीला करके, तब चैतन्य महाप्रभु का लीला का दी एंड नहीं होता है, वो एक्सटेंड करता रहता है, और 10,000 ईयर्स चलता है वो लीला, और वही लीला आज भी चल रहा है। तो यही स्पेशलिटी है, इसलिए पुराणों में, वेद में ये प्रेडिक्टेड है, बोला गया है कि गोल्डन एज कलयुग में 10,000 साल का गोल्डन एज रहता है, और उस गोल्डन एज में ये भगवान का नाम पूरा दुनिया में फैल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब चले गए तो उनके बाद विभिन्न आचार्य आए, तो उनमें एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। गौरांग महाप्रभु का स्पेशल कृपा उनके ऊपर है, गौर शक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र में लिखा है गौर शक्ति। चैतन्य महाप्रभु का अपना अपना आदमी है, अपना व्यक्ति है, अपना एसोसिएट है, निज जन है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर, he is a person from the spiritual world, he is not an ordinary person. The acharyas, जो आचार्य है वो कोई ordinary व्यक्ति नहीं है, वो spiritual personality है, जो spiritual world से भगवान का message देने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए इधर पे आते हैं। तो हम लोग का गुरु परंपरा धारा में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, हाँ, तो जितने भी मैक्सिमम जो आचार्य है 90% 95% ऑफ देम इनफैक्ट दे आर ऑल मंजरीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सब मंजरी है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण लीला में वो मंजरी है, मतलब श्रीमती राधा रानी के असिस्टेंट, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब मंजरी है।
They are all acharyas. रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जब वृंदावन में हम लोग जाते हैं तब वो लीला होता है, लीला हम लोग को सुनने को मिलता है, कैसे वो मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और उस तरीके से सेवा कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का सेवा कर रही है। तो मंजरी इज प्रभु जी मंजरी क्या है? आई विल टेक क्वेश्चन एट द एंड, अदरवाइज रिदम ब्रेक हो जाएगा। ओके, कीप योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर एट द एंड। तो गोलोक वृंदावन प्लैनेट में वो मंजरी है, राधा रानी के असिस्टेंट्स जो है मंजरी, और सखीज है राधा रानी के साथ जो गोपीज, गोपीज के असिस्टेंट है मंजरीज। तो यही रूप मंजरी, रूप गोस्वामी इज रूप मंजरी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इज ऑल्सो मंजरी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दे इन गोलोक वृंदावन दे आर इन द स्वरूप एज मंजरीज, एंड इन गोलोक नवद्वीप इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे आर एसोसिएट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। वो श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैंटिंग डांसिंग एंड स्प्रेडिंग कृष्णस नेम्स। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब उनका जन्म हुआ था 1838, इस मटेरियल वर्ल्ड में आए थे 1838 साल में, तो वो एक सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर नहीं था, वो हाउस होल्डर था, मतलब गृहस्थ था और मैजिस्ट्रेट था। इन कॉलोनियल इंडिया ब्रिटिश रूल में मैजिस्ट्रेट था। ही वाज अ प्रोलिफिक प्रीचर, और नामहट्ट का जो प्रीचिंग है वो उनके अंडर, टोटल 2000 से भी ज्यादा नामहट्ट उनके अंडर में था, भक्ति विनोद ठाकुर के अंडर में था। तो नवद्वीप में एक गौड़ीय मठ है, वहां पे अभी भी जो भक्ति विनोद ठाकुर का घर भी नवद्वीप में है, मायापुर से बहुत नजदीक है भक्ति विनोद ठाकुर का घर, वहां से उस जगह से वो पूरा प्रचार को पूरा कंट्रोल करते थे। 2500 ऑलमोस्ट नियरली नामहट्टस, नामहट्ट मतलब नामहट्ट ग्रुप, एक एक ग्रुप में 200-300 डिवोटीज मान लीजिए, ऐसा टाइप का पूरा बंगाल में पूरा एकदम प्रीचिंग जो है भगवान का नाम का पूरा फ्लड ला दिया था एक तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर। पावरफुल आचार्यस जब आते हैं ना इस मटेरियल वर्ल्ड में, पूरा दुनिया हिल जाता है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद आए, जब दुनिया में श्रील प्रभुपाद 11 साल में पूरा दुनिया हिला दिया एकदम पूरा। उस टाइम पे कुछ इफेक्ट ही और था कुछ, नहीं एवरीवन यू नो वेस्टर्न वर्ल्ड में घर घर में कृष्ण का नाम चला गया था, शेक द वर्ल्ड। तो एक एक आचार्य, एक एक जो चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स है, वो दुनिया को उद्धार करने में सक्षम है, ये शास्त्र में बोला जा रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ही वॉज अ प्रीचर, राइटर एंड पोएट, वैष्णव सॉन्ग, इतना सारा वैष्णव सॉन्ग लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम लोग दूसरे टाइम पे हम लोग क्लास शुरू होने से पहले वैष्णव सॉन्ग्स गाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा नहीं कि उनका जन्मदिन में आज कोई सिर्फ उनका बारे में चर्चा करना है, एवरी डे वी कैन रिमेम्बर हिम एंड वी शुड रिमेम्बर हिम ऑल थ्रू आउट द होल ईयर। तो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स, चैतन्य महाप्रभु का ये धारा, एक समय क्या हुआ कि वो थोड़ा लॉस हो गया था, मतलब थोड़ा सा खो गया था, वही 1750s के बाद से, 1750 से 1850 इस ये 100 ईयर्स में, लगभग इसी टाइम के आसपास चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स जो है थोड़ा गलत हाथों पे चला गया था। थोड़ा कैसा गलत हाथ में चला गया था कि उस टाइम पे सहजिया लोगों का हाथ में चला गया था चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा। सहजिया कौन है? सहजिया आप देखेंगे बंगाल में बहुत सारे पाला कीर्तन होता है, वो लोग ऐसा, और जब शीतकाल आएगा मतलब ठंडी का टाइम आएगा तो पूरा बंगाल का गांव, कलकत्ता में भी इधर उधर आपको सुनाई देगा,
कीर्तन चल रहा है सारा दिन, रात में कीर्तन चल रहा है। और उधर क्या हो रहा है कि आज कीर्तन सुन के सबका आंख, जो कीर्तन कर रहा है आंख में आंसू आ गया, प्रेम में एकदम एकदम विभोर हो गया, जैसा लग रहा है कि अभी कृष्ण प्रेम में वो पागल हो गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो सहजिया है, वो एक्चुअली दे आर टेकिंग मनी एंड दे आर शोइंग ऑफ। एक्चुअली कृष्ण प्रेम पाना इतना आसान चीज नहीं है, सहज में वो लोग सोचते हैं कि बहुत सहज से मिल जाएगा। वो लोग सिगरेट पी रहा है, गांजा टान रहा है, इलिसिट सेक्स कर रहा है इधर उधर, और जब स्टेज में आता है कीर्तन करता है कृष्णा, और आंख में आंसू, और पैसा भी लेता है ऑर्गेनाइजर से, तो ये सहजिया है। और शो खत्म, पैसा पॉकेट में मिल गया, पैसा बांट दिया बस, फिर गांजा टानो, बीड़ी खाओ, इलिसिट सेक्स करो, ये सहजिया। बहुत टाइप का ये सहजिया संप्रदाय है, नेरी भेरी, कौरता भेजा, सो कितना कितना टाइप का है, 27 टाइप का है ये सब। गुरु परंपरा धारा में वो डिविएट, 4 गुरु परंपरा धारा मेन है, ये सब दूसरा धारा आ गया, ये सब दीज आर नॉट बोनाफाइड। तो वो सब उन लोगों का हाथ में चला गया था मेनली सब कुछ। और उस टाइम पे क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुआ था कि विशेष करके बंगाल का जो एडुकेटेड आदमी लोग है, जो एडुकेटेड पीपल है, उन लोगों का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर विश्वास उठ गया था। क्योंकि वो लोग, जो लोग चैतन्य महाप्रभु को एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो लोग का कैरेक्टर बहुत खराब था। एक ऐसा एक एग्जाम्पल भक्ति भक्ति पुरुषोत्तम महाराज दे रहा था कुछ दिन पहले। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहा था कि उस टाइम पे ऐसा एक सिस्टम हो गया था कि मान लीजिए जो अपने वो लोग अपने आप को बाबा जी बोलता था, तो बाबा जी बहुत हाई लेवल का चीज होता है। कोई इलिसिट सेक्स करेगा और अपने आप को बाबा जी बोलेगा, उससे बड़ा तो गड़बड़ चीज हो ही नहीं सकता है। तो क्या था, अपने आप को लोग बाबा जी बोलता था। अभी क्या होता था, एक एक पैंडल में एक तो पैंडल क्रिएट किया जाता था, और उस एक तो पर्दा लगाया जाता था, एक तो पर्दा में बीच में बहुत सारा छेद किया जाता था। तो उस छेद का पीछे, उस पर्दा का पीछे बहुत सारा छेद है, 100 छेद है मान लीजिए, और उस पर्दा का पीछे बहुत सारे लड़कियां थे और बहुत सारे माताजियां थे, लड़की को हम लोग माताजी बोलते हैं इस्कॉन में। तो एक एक लड़की क्या करती थी, अपना जो ये उंगली है उस छेद से घुसा देती थी। और अभी तो उन लोगों को तो मुंह नहीं दिख रहा है उधर से, पर्दा में, पर्दा का बीच से वो घुसा दिया है, कपड़ा है उसका बीच से उंगली घुसा दी है। और फिर बाबा जी लोग क्या करेगा, 2 चूज करना है, इसको ये उंगली चूज किया, ये उंगली चूज किया, बस वो 2 सर्वेंट बन गया 1 साल के लिए। इस टाइप का एबोमिनेबल चीज है, गड़बड़ चीज है पूरा होता था उस टाइम। तो एडुकेटेड लोग जो था, जो लॉजिकल लोग था, और जो समाज का जिन लोगों का रेस्पेक्ट था, उन लोगों का चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भरोसा उठ गया। और ये जो जो वैष्णविज्म है, ये सोचता था कि ये सब गड़बड़ आदमियों का रिलीजियन है, ये सब उल्टा पुल्टा आदमी, कुछ काम धंधा नहीं, उल्टा पुल्टा काम करता रहता है, बीड़ी गांजा खाता रहता है, उन लोग का काम है ये चैतन्य महाप्रभु का ये सब मिशन। ऐसा स्थिति आ गया था, 100 साल का ऐसा स्थिति था ऑलमोस्ट। तो भगवान अपना भक्त को भेजा, भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा, ये जो गड़बड़ स्थिति चल रहा है उसको ठीक करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर आया, उसके बाद से लोगों का विश्वास, फिर से धीरे 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 जागने लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतना बड़े पोस्ट में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल से वो सिखाया सबको। सो उनका जो करेज था, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करेज था उनका कैरेक्टर, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में भगवान का सेवा करना, उनका नाम का प्रचार करना, इतना बिजी लाइफ में भक्ति करना, और पूरा दुनिया को, मतलब पूरा इतना लोगों को और पूरा समाज को इन्फ्लुएंस करना बहुत कठिन था।
भक्ति विनोद ठाकुर अपना पर्सनल लाइफ से वो करके दिखाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनका उनका जो उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसमें मैं आ रहा हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर दो प्रेडिक्शन किया था। दीज टू प्रेडिक्शंस आर मोस्ट फेमस अमंगस्ट हिज प्रेडिक्शंस। एक था भक्ति विनोद ठाकुर बोला था कि बहुत जल्दी एक पावरफुल आचार्य आने वाला है, बहुत ही पावरफुल भक्त आने वाला है और वो भगवान का नाम पूरा दुनिया में फैलाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रभुपाद का प्रेडिक्शन किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रेडिक्शन 1893 में किया था और प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में, उनके 3 साल बाद ही जन्म हुआ था। तो ये प्रेडिक्शन कर दिया था भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का जन्म होने का पहले ही। और हम लोग देखे प्रभुपाद के कारण पूरा कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस फैल रहा है। और दूसरा प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का बंगाली भक्त और यूरोपियन भक्त दोनों आएगा। वो भीषण देख पा रहे थे सामने क्या होने वाला, फ्यूचर उनको दिख रहा था। यूरोपियन फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड बंगाली फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दे विल चैंट टुगेदर जय सचिनंदन जय सचिनंदन बोल के एक साथ नृत्य करेगा। सचिनंदन कौन है? चैतन्य महाप्रभु, द सन ऑफ मदर सची। तो ये दो प्रेडिक्शन किया था। तो आज को हर साल नवोदीप मंडल परिक्रमा होता है। नवोदीप मंडल परिक्रमा में टोटल 12,000 डिवोटीज कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रशिया से आता है, साउथ अमेरिका से आता है, यूरोप से, चाइना से। हमको सौभाग्य मिला नवोदीप मंडल परिक्रमा करने का। तीन बार नवोदीप मंडल परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला मेरे को। तो बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। दिल्ली से बहुत भक्त आते हैं। ये अमोघ लीला प्रभु और दिल्ली का भक्त एवरी ईयर दे विल अटेंड नवोदीप मंडल परिक्रमा। उन लोगों को अटेंड करना ही है। वो गोपाल कृष्ण महाराज उन लोगों को पूरा आदेश दे के रखा है, वो लोग एवरी ईयर आएगा। और महाराज भी आते हैं और जयपोतका स्वामी गुरु महाराज हर दिन वो डिवोटीज को एसोसिएशन देता है। दिल्ली से गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं और बहुत सारे महाराज आते हैं पूरा दुनिया से, सन्यासी लोग आते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस होता है। और जब मायापुर में महामिलन होता है, पूरा भक्तों का, पूरा देश विदेश का भक्तों का महामिलन जब होता है लास्ट दिन में, तो वो इतना गजब का एक्सपीरियंस होता है। पूरा सब लोग कीर्तन कर रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट्स बियॉन्ड, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स एक्चुअली। सो अभी कोरोना के कारण सब चीजें थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। एनीवेज इट विल अगेन हैपन। तो भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेडिक्शन सही हो गया, गलत नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल में मेनली उनका प्रचार किया था, हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाया था। और ये जो सहजिया लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट था और सहजिया लोगों का ज्यादा नहीं चलता था, जब उनका उनका सामने सहजिया लोगों का चलता नहीं था। और वो दिखाया कि ये मार्ग नहीं है भगवान का भक्ति का। आप कुछ भी कर लो, मांस पियो, मछली खाओ, सिगरेट पियो, दारू पियो, कुछ भी करो और ऐसे ही भगवान मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। Has to strictly follow the ways of Krishna consciousness as given in the scriptures. अब पाप कर्म भी करते रहोगे और भगवान को ही मिल जाएगा, इतना थोड़े आसान है भगवान को मिलना, सहज नहीं है ये। सहज ये लोग जैसे बोलता है, प्रोफेशनल बना लिया है भगवान, भगवान का भक्ति का वो लोग प्रोफेशनल बना लिया, तो वो सही उपाय नहीं है। That is not the right way. ये भगवान के साथ भक्ति है, प्रेम, भगवान से प्रेम करने का ये मार्ग है। ये कोई अपना, मतलब अपना जो भी मन करे वैसे करने का ये मार्ग नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम था केदारनाथ दत्त। तो बीर नगर में
उनका जन्म हुआ था। बीरनगर इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदिया। तो उनका पेरेंट्स ने उनको केदारनाथ दत्त नाम दिया था, दत्त फैमिली से था। तो कृष्णानंद दत्त का, कृष्णानंद राजा कृष्णानंद दत्त का सातवां पुत्र था ये भक्ति विनोद ठाकुर या केदारनाथ दत्त। और राजा कृष्णानंद दत्त और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, विशेष करके नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़े भक्त है राजा कृष्णदास कृष्णानंद दत्त। तो उनको बोला जाता है द्वैत कुलेर प्रहलाद, प्रहलाद से कंपेयर करता था, प्रहलाद महाराज से कंपेयर करता था उनको उस टाइम का लोग। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लिया है, पूरा एकदम बहुत ही रिच फैमिली, मतलब सोने का क्या बोलते हैं, सिल्वर स्पून इन इज माउथ बोलता है ना, एक तो कहावत है ना इंग्लिश में, सिल्वर स्पून इन द माउथ, रुपोर चामच नहीं है मुखे है। बहुत ही रिच फैमिली से जन्म लिया था, एलिमेंटरी एडुकेशन किया था और इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश स्कूल सोचिए 1838 लाइक दिस टाइम इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था, कृष्णनगर में इंग्लिश स्कूल में पढ़ा था और नदिया का राजा उसको वो इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनका जब फिर 1856 में 18 साल जब हुआ भक्ति विनोद ठाकुर, तब तो वो कॉलेज में इंटर किया कलकत्ता में, ही स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश एंड बंगाली। इंग्लिश लिटरेचर इतना बढ़िया से स्टडी किया और एक व्यक्ति को वो इंग्लिश सिखाया था, इंग्लिश पढ़ाया था एक व्यक्ति को, वो बाद में जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट का ओरेटर बन गया, बहुत ही फेमस ओरेटर बन गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर इतना गजब का इंग्लिश जानता था। और उनके जो बेटा है, उनके ही पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका इंग्लिश तो मैंने क्या बताए, सुपर मीन्स इंग्लिश विल नॉट बी एबल टू, इतना वर्ड्स का ये है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक ही बुक है इस्कॉन में जो चलता है, ब्रह्म संहिता, जो शास्त्र है ब्रह्म संहिता उसका ट्रांसलेशन दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इस्कॉन का बुक स्टोर से खरीदा जा सकता है बुक ब्रह्म संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो पहला वर्ष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, पहला श्लोक जो ब्रह्म संहिता बहुत फेमस है, उसका ट्रांसलेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका ट्रांसलेशन किया, इतना कठिन इंग्लिश, बाप रे बाप, एक्सपर्ट इन इंग्लिश देवर बोथ फादर एंड सन, भक्ति विनोद ठाकुर एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके बेटा, वो तो एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य सिद्धांत में और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही एक्सपर्ट था। तो भगवान का भक्त लोग मेटेरियल क्वालिफिकेशन भी होता है बहुत सारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो मेन एक कंट्रीब्यूशन है वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है उसको रीडिस्कवर करना, ये एक मेन उनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो भगवान का जो बर्थ प्लेस, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, उसको लेके कंफ्यूशन था उस टाइम पे, बहुत साल हो गया था, 200-300 साल हो गया था चैतन्य महाप्रभु का जाए हुए, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड लौट जाने का, तो बर्थ प्लेस को लेके कंफ्यूशन हो गया था। कोई बोलता था कि गंगा का इस पार है, कोई बोलता था गंगा का उस पार है, ऐसा कंफ्यूशन था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारा मैप देख के और पूरा रिसर्च करके फिर लास्ट में उनका जो गुरुदेव है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी, उनको जब लेके गए उस स्थान पे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी पूरा बास्केट से पूरा एकदम उठ गया, मतलब वो उनका उम्र था बहुत ज्यादा, 140 ईयर्स एज था उनका, और बास्केट में ही उनको लेके जाना पड़ता था इधर उधर। जब चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस में उनको लेके आया, तो वो 140 ईयर्स का बुढ़ा व्यक्ति वो
बास्केट से जंप कर गया और बोला कि यही तो है निमाई का जन्म स्थान, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, और नाचने लगा। 140 years old person is dancing like a young 20 years boy. Like that was the scene. तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले क्या किया, पूरा जो ओल्ड मैप्स है वो देखा। फाइनली वो एक स्पॉट में आया कि वो जगह का नाम था मियापुर। तब एट दैट टाइम दैट प्लेस वाज नोन एज मियापुर, मुस्लिम लोग उस जगह को पूरा लिया हुआ था। तो मियापुर का वो जो जगह है अभी जो मुस्लिम लोग अंडर में था, अभी उस जगह पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है वहां पे एक अमेजिंग चीज था। वहां पे हर टाइम पे तुलसी का पौधा पूरा एकदम सब समय, तुलसी का पौधा तो हजारों हजारों तुलसी का पौधा एकदम उस जगह पे हमेशा से था। अभी गांव वालों से पूछा, नियर बाय मुस्लिम लोगों से पूछा भक्ति विनोद ठाकुर की क्या होता है इधर, तो मुस्लिम लोग बोला कि इधर पे बहुत सारा हम लोग को बीच बीच में रात में कीर्तन का आवाज मिलता है, हरे कृष्ण कीर्तन का आवाज मिलता है रात में। बोला ऐसे तो ये तो फांका जगह है, तुलसी का पौधा है हजार, वो कीर्तन का आवाज कैसे आता है? नहीं नहीं रात में हम लोग जब सो जाते हैं तब रात में आवाज आता है बीच बीच में। तो भक्ति विनोद ठाकुर सोचा कि हाँ यही दिस प्लेस, देयर इज अ ग्रेट चांस यू आर आई इन द राइट प्लेस। तो अभी अभी मुस्लिम लोग बोला कि हम लोग तुलसी पौधा को इधर हटा देते हैं फिर भी वो कैसे आ जाता है, एक बार पूरा तुलसी पौधा सब जितना था उस जगह से पूरा साफ कर दिया और फिर से वो आ गया। वो कभी कभी भी तुलसी पौधा वो हमेशा से वो रहेगा ही रहेगा उस जगह में, उसको हटा दिया जाए, उसको पेड़ को पौधे को हटा दिया जाए फिर भी वो आ जाता है कहाँ से। तो चैतन्य अभी फिर उस टाइम पे वही जो मायापुर है अभी का, तो वही उस टाइम पे नाम हो गया था मियापुर। तो श्री मायापुर धाम का और चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस का उद्धार किया जगन्नाथ दास बाबा जी, उसको कन्फर्म किया उनका गुरुदेव। तो बर्थ प्लेस का क्योंकि आविष्कार किया था चैतन्य ये भक्ति विनोद ठाकुर, तो इसीलिए उनको सेवेंथ गोस्वामी बोला जाता है। इस कॉल्ड एज सेवेंथ गोस्वामी। क्यों सेवेंथ गोस्वामी, बाकी छह गोस्वामी कौन है? बाकी छह गोस्वामी है वृंदावन का सिक्स गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी, अजीव गोस्वामी, ये छह गोस्वामी ये वृंदावन में कृष्ण का लीला स्थल का उद्धार किया था। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिया था इन लोगों को, विशेष करके रूप गोस्वामी का और सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वृंदावन में कृष्ण का जो लीला का स्थल है वो सब उद्धार कीजिए। तो ये जो छह गोस्वामी वृंदावन का जो लॉस्ट स्पॉट्स है चैतन्य कृष्ण लीला का वो उद्धार किया, फिर से वो पुनरुद्धार किया उस चीजों को। इसलिए वो लोग का एक विशेष कंट्रीब्यूशन है वृंदावन का लीला स्थली को उद्धार करने का। और भक्ति विनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है कि ये मायापुर धाम का और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का उद्धार करना, इसलिए सेवेंथ गोस्वामी उनको बोला जाता है। गोस्वामी जैसे लीला स्थल का उद्धार किया था इसी तरीके से। तो हाउस होल्डर जब था भक्ति विनोद ठाकुर, तो वो वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बट ही वॉज ही हैड कनेक्शन विथ मेनी हाई प्रोफाइल पीपल ऑफ द सोसाइटी, बड़े बड़े पोएट, बड़े बड़े, और उसको पोस्ट भी था उस लेवल का, डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट। 1868 में वो फर्स्ट टाइम डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट बना दिनाजपुर जिले का, वेस्ट बंगाल का। तो दिनाजपुर में वो एक्चुअली डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट का पोस्ट जो है वो हाईएस्ट पोस्ट गिवन टू ए इंडियन पर्सन ब्रिटिश रूल में। इंडियन व्यक्ति को तो वायसराय नहीं बनाएगा ना, इंडियन व्यक्ति को कोई भी मतलब इंडियन व्यक्ति को हाईएस्ट पोस्ट ये डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट ही बनाया जा सकता है, उससे हायर पोस्ट पॉसिबल नहीं है, रूल में अलाउड नहीं है। सोचिए कितना मतलब उनका मतलब मेटेरियली भी सक्सेसफुल कितना था एट दिस टाइम। मतलब ये जब जब मैजिस्ट्रेट बना तब
वो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, इनका बहुत एक्सटेंसिव स्टडी किया आचार्यों का जो टीका है उसका ऊपर. ही गेव लॉट ऑफ स्पीच ऑन श्रीमद् भागवतम एंड श्री चैतन्य चरितामृत. उसके बाद वो चंपारण में चला गया, चंपारण बिहार में जो है उधर पे ट्रांसफर हो गया उनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नौकरी या ट्रांसफर ये सब था. तो वहां पे एक तो लीला हुआ था, भूत का एक तो लीला. तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे जहाँ पे चंपारण में जहाँ पे रहता था, उनका घर था जहाँ पे, तो वहां पे बगीचा था, बहुत बड़ा एक बगीचा था. तो वहां पे एक बैनियन ट्री था, एक बैनियन ट्री. तो वहां उस बैनियन ट्री में एक भूत रहता था और सब गांव वाला सब जानता था कि भूत रहता है इस बैनियन ट्री में, और लोग उस भूत को पूजा करता था. सोचिए लोग भी कैसे कैसे होता है, भूत को भी पूजा करता है. और भूत का स्पेशल पावर था, क्या पावर था? द घोस्ट हैड द पावर टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द लोकल जज टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द वर्शिपर. वो भूत का कोई ऑर्डिनरी भूत नहीं था, वो लोगों का माइंड का ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता था, और विशेष करके उसके लोकल जो जज था उसका भी माइंड का ऊपर इन्फ्लुएंस कर लिया था. इसलिए वो जज, लोकल जज चाहता था क्या कि भूत का पूजा कोई ना करे, लेकिन जो पूजा करता था उसको रोक नहीं पाता था लोकल जज, क्योंकि लोकल जज का भी माइंड का ऊपर एफेक्ट कर देता था. तो जब केदारनाथ दत्त या भक्ति विनोद ठाकुर जब आया उस जगह में, तो वो गांव वालों को एडवाइस किया. तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया कि लोकल जो लोग है उन लोगों को बोला कि आप लोग इस बैनियन ट्री का नीचे आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए. तो जब ये एडवाइस दिया कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, तो एक महीना टोटल ये सब लोग ये श्रीमद् भागवतम का मैसेज जो है वो स्टडी करने लगा इस बैनियन ट्री का नीचे. और एक महीना के बाद वो पेड़ क्रैश टू द ग्राउंड, मतलब वो पूरा अपने आप वो गिर गया. वो पेड़ कब गिरता है? जब बहुत ज्यादा मतलब तूफान आता है, आंधी आता है, उस टाइम पे गिरता है पेड़. लेकिन अपने आप सडनली एक नाइट को गिर गया एकदम, भूत का वहां से चला गया, भूत का हो गया, वहां से खत्म हो गया. तो लोगों का फेथ बढ़ गया भक्ति विनोद ठाकुर का ऊपर. तो और एक कहानी है, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. भक्ति विनोद ठाकुर का लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट एक इवेंट भी ये है, तो ये कहानी बोल के मैं खत्म कर दूंगा, तो 10 मिनट और लगेगा. तो विशक सेन बोल के एक ये था, एक मिस्टिक योगी था विशक सेन. तो विशक सेन क्या करता था, वो कहाँ रहता था, कमनाला बोल के एक तो टाउन था, कमनाला उड़ीसा में आता था, कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर से थोड़ा दूर कमनाला बोल के एक तो टाउन था. तब उस टाइम पे भक्ति विनोद ठाकुर का उड़ीसा में पोस्टिंग था, और उड़ीसा में जब पोस्टिंग था तब बहुत सारा लीला हुआ है. तब उनका बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर उस टाइम पे पुरी मंदिर का में भी उनका पोजीशन था. पुरी मंदिर तो गवर्नमेंट का अंडर में ही है हर टाइम पे, तो उनको स्पेशल बड़दंड रोड के बगल में उनका उनका घर था. तो जगन्नाथ जी के साथ बहुत लीला हुआ उस टाइम पे.
पुरी में जब पोस्टिंग था, तो पुरी में पोस्टिंग जब था तब यह विषक्षण वाला लीला भी हुआ। तो कमनाला, कमनाला टाउन का लोग, ये वहां पे विषक्षण, वो क्या करता था, वो यज्ञ करता था, तांत्रिक जैसा था वो, तांत्रिक बाबा टाइप का था। तो वो क्या, उसका मैजिक दिखाता था, आग जलाता था, आग में घुस जाता था, माथा घुसा जाता था आग में, कभी आग में बैठ जाता था, आग जल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है शरीर का, आग में, आग में अपना रोलिंग रोलिंग करता था आग में, पूरा एकदम फायर, इसमें आग में रोलिंग चलता था उसका, बैक एंड फोर्थ करना, फ्लेम्स में फ्लेम्स लेके खेलना, आग का फ्लेम्स लेके, मिस्टिक पावर था, योगी बाबा, तांत्रिक बाबा टाइप का था उस, 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 उस मंत्र का, उसमें मंत्र से बहुत कुछ हो सकता है, और उस मंत्र से वो खेलता था, बहुत सारे तांत्रिक मंत्र और बहुत सारे ये सब मंत्र का। और वो, उसका एक प्रॉब्लम था कि वो अपने आप को भगवान बोलता था, और उनका माथा से आग प्रोड्यूस कर सकता था, माथा से आग प्रोड्यूस कर सकता था वो। तो यार टू कॉम्पेनियंस, एक ब्रह्मा और शिव क्या मजाक बना के रखा था सोचिए, उनका दो एसोसिएट्स था, दो असिस्टेंट था उनका, एक ठो का नाम रखा ब्रह्मा और एक ठो का नाम रखा शिव, और अपने आप को बोलता था विष्णु हूं मैं। कितना मतलब सोचिए, भगवान बनने का, सब दुनिया में भगवान बनना चाहता है, यही प्रॉब्लम है इस दुनिया का। तो ये विषक्षण अपने आप को भगवान बोल रहा है, महाविष्णु बोल रहा है, तो अपना वो पूरा डिक्लेयर कर दिया उस मोहल्ले में कि मेरा पूजा करो, जैसे हिरण्यकश्यपु डिक्लेयर कर दिया था कि पूरा ब्रह्मांड में कि अपना पूजा करो, इसी तरीके से विषक्षण डिक्लेयर कर दिया कि मेरा पूजा करो। तो उधर उधर जो भी जितना भी भोले भाले गांव वाले हैं, वो लोग क्या जानता है उतना, वो सोचता है कि यही भगवान होगा, आँख माथा से आग निकाल रहा है, ये कर रहा है, ये बहुत बड़ा पावरफुल है, यही भगवान होगा। जानता नहीं, आजकल लोग कितना शास्त्र पढ़ता नहीं है, असली गुरु के पास जाता नहीं है, तो गलत लोगों के पास चला जाता है। तो ब्रिटिश लोग भी, ब्रिटिशर्स लोग, वो भी बहुत परेशान था, ब्रिटिश लोग को भी अपना दबदबा दिखाना है, और ये अपने भगवान बन के बैठा है इधर पे। अब ब्रिटिश लोग चाहता था कि इसको हटाया जाए, और मिस्टिक पावर का सामने ब्रिटिश लोग भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो लोग क्या गोली रिवॉल्वर लेके जाता था, वो मिस्टिक पावर से उन लोग को भी मतलब अपना पावर से उन लोग को भी अफेक्ट कर देता था। तो ब्रिटिश लोग, रेवेनशॉ बोल के एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उड़ीसा का, वो परेशान हो गया पूरा, मिस्टर रेवेनशॉ, ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो उनका उनका दोस्ती था ये भक्ति विनोद ठाकुर से, केदारनाथ दत्त से, तो उनको रिक्वेस्ट किया, केदारनाथ दत्त के ऊपर, उनका भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर ब्रिटिश लोगों का बहुत भरोसा था, क्या अच्छा ये बहुत ही सही भक्त है, मतलब भगवान का रियल फॉलोअर है, ये कुछ कर सकता है, इनका भी कुछ मतलब पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है, भक्ति का इन्फ्लुएंस है। तो वो रिक्वेस्ट किया, रेवेनशॉ रिक्वेस्ट किया केदारनाथ दत्त को कि विषक्षण का कुछ कीजिए। तो विषक्षण, अभी केदारनाथ दत्त को भक्ति विनोद ठाकुर को खबर मिला ये, तो पावर, उनका क्या क्या पावर है वो देखने गया भक्ति विनोद ठाकुर उनके जगह में गया। वो अंडरग्राउंड रहता था, अंडरग्राउंड गुफा में, गुफा में वो अपना खेल दिखाता था, और लोग आके माथा टेकता था, और लोगों को लेके भी चीटिंग करता था, लड़की उड़की को भी लेके भी चीटिंग बाजी करता था इस टाइप का, तो बहुत ही अपने आप को भगवान बोल के उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो पहले तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन पहले देखा कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसका। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को तब गुस्सा आया कि जब वो अपने आप को भगवान बोल रहा है, अपने आप को जगन्नाथ बोल रहा है, अपने आप को भगवान बोल रहा है,
ये सही नहीं है, इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर उनसे एक प्रश्न पूछा और उनके रिप्लाई में बिशक सेन बोला कि हम जगन्नाथ को क्यों देखने जाएंगे। वो बोला कि जगन्नाथ को देखने जाइए, जगन्नाथ का दर्शन लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोला कि जगन्नाथ मंदिर जाओ, जगन्नाथ के पास माथा टेको। तो बोला बिशक सेन क्या बोला, हंसते हंसते बोला हम क्यों जाएंगे जगन्नाथ जी के पास, वो को भगवान है थोड़ी, वो कोई तो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, हम भगवान है। अब जगन्नाथ भगन्नाथ क्या है, ये सब कोई भगवान नहीं है, हम भगवान है सिर्फ। तो ऐसा जब बोला तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत गुस्सा गया, तो इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर लोग केदारनाथ दत्त ब्रिटिश लोगों को बोला कि आप इनको जेल में बंद कीजिए, आप इनको जेल में बंद कीजिए, ये गड़बड़ कर रहा है, आप जेल में इसको पुलिस फोर्स लाइए, जेल में बंद कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रेजेंट था, वो खुद जाके अरेस्ट करवाया ब्रिटिश फोर्स देके, तब कुछ कर नहीं पाया भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेजेंस में, तो जेल में घुसाया उसको, पूरी का जेल में घुसाया। एक डजन कांस्टेबल, 3 डजन कांस्टेबल था, 72 पुलिसमैन, एक व्यक्ति का ऊपर 72 पुलिसमैन, कैन यू इमेजिन, बिशक सेन को अरेस्ट करने के लिए, एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए 72 पुलिसमैन लगा था। तो कोर्ट में ट्रायल चला, हजार लोग आते थे, हाँ कोर्ट में 18 दिन का ट्रायल चला, 18 दिन का। हाँ केदारनाथ दत्त तो कोर्ट में ही, कोर्ट का ही काम करते थे। तो अभी जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तब हजार हजार लोग बाहर में, उनका फॉलोअर, बिशक सेन का फॉलोअर, आज के भी दिन पे हम लोग ये सब एग्जांपल देख सकते हैं, राम रहीम बाबा ये सब कितना फॉलो, 1 करोड़ फॉलोअर था हरियाणा में, 1 करोड़ फॉलोअर था राम रहीम बाबा का, सोचिए सिमिलर एक आदमी ऐसा इस टाइप का था। तो 18 दिन में हजार हजार लोग बाहर में डिमांड करता था कि छोड़ दीजिए बिशक सेन को, छोड़ दीजिए। केदारनाथ दत्त ट्रायल किया, लड़ा, 6 दिन जब कंप्लीट हुआ कोर्ट का ट्रायल को, भक्ति विनोद ठाकुर का, केदारनाथ दत्त का जो जो डॉटर है, पुत्री है, कदम्बिनी, कदम्बिनी बहुत सीरियसली बीमार हो गया, कदम्बिनी उनका बेटी, कदम्बिनी ऑलमोस्ट वो मरने ही वाला था, ऑलमोस्ट डेथ करने नजदीक आ गया। केदारनाथ दत्त तो समझ गया कि इसका तांत्रिक योगी काम है, बहुत सारा काम कर रहा है, जेल में घुस के वो अपना तांत्रिक योगी पावर दिखा रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अब बहुत डिटरमाइंड था, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मरे चाहे कुछ भी हो, हाँ इसको सबक सिखाना, पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट में अगले दिन योगी बोला, वो बिशक सेन बोला कि मैं बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा पावर दिखा सकता हूँ, मैं तो ये कुछ भी नहीं दिखाया, हाँ इससे भी ज्यादा पावर दिखा सकता हूँ मैं। तो कोर्ट फिर केदारनाथ दत्तो खुद भी, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर खुद भी बीमार पड़ गया, अरे बाप रे, उनका ऊपर भी इफेक्ट करने शुरू कर दिया, हाँ ये तांत्रिक ये। तो भक्ति विनोद ठाकुर का हाई फीवर आ गया और खूब इलनेस आ गया और कष्ट पाने लगा, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा, भगवान के ऊपर विश्वास था और इसको सबक सिखाना ही है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, कोई दूसरे को भगवान बोल रहे तो उसको नंगा करना ही है। तो इतना कष्ट में भी वो कोर्ट में केस लड़ते रहे, तो उनका सेंटेंस हुआ, 18 महीने का सजा मिला उस बिशक सेन को, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में 18 महीने का सजा मिला बिशक सेन में। तो बिशक सेन में, बिशक सेन को जेल भेज दिया गया, पहले तो लॉकअप में था, इसमें ट्रायल चल रहा था, तब परमानेंट जेल में भेज दिया गया, 18 महीने का जेल काटने के लिए। तो उस टाइम पे जब जेल में गया
तब भक्ति विनोद ठाकुर एक चीज देख एक चीज ऑब्जर्व किया कि कहां से इसका इतना पावर आ रहा है, कैसे इसका पावर आ रहा है इतना। तब भक्ति विनोद ठाकुर जेल में उसको ऑब्जर्व किया कुछ दिन, वो देखा कि उसका जो बाल है बड़े बड़े, उस बाल में मेन पावर है, बड़े बड़े बाल जटा टाइप का हो गया है। और हम लोग शास्त्र में भी देखते हैं दुर्वासा मुनि अपना बाल तोड़ दिया था और मिट्टी में फेंक दिया था और वहां से मंत्र बोल के, और वहां से वीरभद्र एक डिमोन बहुत बड़ा डिमोन वो तैयार हो गया था अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। ये श्रीमद् भागवतम में है। और उस टाइम पे भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, वीरभद्र डिमोन को मारा, और वो सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लगा, ये कहानी है। तो योगी मिस्टिक योगी जो होते हैं उनका बाल में पावर रहता है कई बार, ऐसे नहीं कि सब जगह ऐसे ये सेम रूल अप्लाई कर देना है। इसके डिटेल्स जब पता नहीं उसमें ज़्यादा डिटेल्स जाने का भी जरूरत नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर देखा कि उसका बाल में पावर आ रहा है, तो ऑर्डर दिया बाल काट दो, और ब्रिटिशर लोग उसका जेल में बाल उसका काट दिया। अगले ही दिन वो मर गया। इसी तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर इतना पावरफुली उनका भी इलनेस चला गया, बुखार चला गया और वो भी खत्म हो गया। तो वो इस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर दिखाया प्रैक्टिकली। तो ये यही पे मैं अंत करूंगा। नेक्स्ट दिन हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का लाइफ स्टाइल के बारे में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक चीज, उनका जो रूटीन था वो रूटीन के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन। आज को उतना भक्त नहीं है तो नेक्स्ट दिन उसको मैं नेक्स्ट दिन रखा, द रूटीन लाइफ स्टाइल ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का चर्चा हम लोग कहीं पर भी किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका जन्मदिन में ही पूरा कहानी खत्म करना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है। तो उनका जो रूटीन है वो देख के तो मतलब इट्स अ वंडरफुल थिंग, वंडरफुल यू नो स्पेशल थिंग। तो दैट विल गिव अस मोर इंस्पिरेशन। और कुछ लीला स्पेशल लीला, एक बुक, एक भक्त ने एक बुक दिया है भक्ति विनोद ठाकुर का ऊपर मेरे को, उसमें मैं पढ़ के नेक्स्ट संडे आई विल टेल दिस एस्पेक्ट। उनका रूटीन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत दिन से इच्छा था उनका रूटीन सबको बताने का, डेली रूटीन क्या था। तो ये हम लोग का भी एक क्लास हुआ था मायापुर धाम में, वहाँ पे हम लोग को बताया गया था आज से 6 साल पहले। तो नेक्स्ट वीकेंड वी विल सी दैट। सो आई एम एंडिंग हियर, इट्स ऑलरेडी 9:42, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर एंड नाउ द स्कोप इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स।